दिल्ली के सुल्तान से जलालुद्दीन खिलजी उन्होंने तीन बार ये देख किए थे यहाँ पे 1290 में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो बेगम थे उनके यहाँ पे मोहम्मद शाह नाम का एक सेनापति था जिनके साथ उनके अनैतिक संबंध थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चला उन्होंने उस मंत्री को जेल में डाल दिया और फांसी का हुक्म सुना दिया था। उनकी बेगम ने क्या किया, रात के टाइम में उस मंत्री को वहाँ से निकाल के और फरार कर दिया था और उससे ये बोला कि कहीं भी किसी भी राजा से जाके आप शरण मांग लेना ताकि आपकी जान बच जाए। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही पता चला कि वो वहाँ से फरार हो गया तो उसने पूरे भारत में ये घोषणा करा दी थी कि जो भी राजा इसे शरण देगा उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूँ। मोहम्मद शाह कई राजाओं के पास शरण मांगने के लिए गए लेकिन किसी भी राजा ने उसे शरण नहीं दिया। तो वो घूमते फिरते यह रणथंभौर आए और राजा हमीर देव चौहान से शरण मांगी तो राजा ने उसे शरण दे दिया। मालिक और जो ये छतरी ये वॉच टावर का काम करती है, ऐसी दो छतरी पहाड़ी पे बनी हुई है, एक तो वहाँ पे एक वहाँ पे। भाई देव मान लो रात के टाइम में यहाँ पे दुश्मन अटैक करता है तो मसाल जला के संदेश देते थे यहाँ से। अच्छा, और राजा हमीर देव चौहान का घोड़ा यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ाता है घोड़े के टाप के निशान। लो भाई कहाँ घोड़े के टाप के निशान ये है। बंदे भी तो शानदार है, जूम करके बंदे भी तो शानदार हैं, बंदे शानदार होंगे। प्रिंट अलाउद्दीन का घोड़ा आ गया है, ये अलाउद्दीन का घोड़ा बन उठने के लिए ऊपर जा रहे थे। दो गद्दारों ने गणेश पोल गेट को बंद कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने अपने शिवजी भगवान से प्रार्थना की कि ये भगवान मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो ताकि यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जाए तो मैं रानियों की जान बचा सकूं। शंकर भगवान ने उनके घोड़े को पवन वेग की शक्ति दी थी और कुछ समय के लिए चट्टान को मोमकी बना दी थी और उस शक्ति के जरिए यहाँ से ऊपर चढ़ा जोर रोकने के लिए ऊपर गया। तो जैसे लड़ाई के लिए बाहर गए तो फिर इधर से दो गद्दारों ने गेट बंद कर दिया। अमीर देव चौहान का घोड़ा था बाद भाई जो दोस्त जो पंजे के निशान है वो दो ही क्यों यार? फिर क्या है, उसको पवन वेग की शक्ति देती थी ना शंकर भगवान ने, इसलिए ऊपर चढ़ गया था शक्ति। अच्छा ठीक है, जाऊँ मैं कहाँ बताओ। हाँ हाँ तू आ जाए।
सर जी राजा हमीरदेव चौहान जब युद्ध करके विजय होकर वापस लौटते थे तो यहाँ पे साइडों में विंडो बने हुए ऊपर, यहाँ से उनकी प्रजा फूल बरसा के स्वागत करती थी राजा हमीरदेव चौहान का। ऐसा ही विंडो चौथा नंबर गेट है अंधेरी गेट जिसके ऊपर बना हुआ है, वहाँ से उनकी रानी थी हीराबाई जो फूल बरसा के स्वागत करती थी राजा का हमीरदेव चौहान का। इस गेट को तीन नाम से जाना जाता है, अंधेरी गेट, वेलकम गेट और कंफ्यूज गेट जिसको भूल भुलैया धोखाधड़ी गेट कहते हैं। ये त्रिपोलिया गेट है सर, एक द्वार तो अपन को यहाँ से ये दिख रहा होगा, एक वो पहली तरफ है और एक साइड में है। ये गेट को रोकने के लिए ताकि बाहर नहीं जाए। तुम्हारा काम होता होगा तो निकलवाने का। इन द्वारे से त्रिपोलिया गेट से एक गेट यहाँ पे लगा हुआ है, हम इस गेट को इधर से खोलते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है, इधर से खोलते हैं तो ये वाला बंद हो जाता है। अच्छा, भाई देव मान लो कोई दुश्मन आता हो इस गेट को जैसे खोलिए इधर बंद है, दरवाजा तो लगा हुआ था कि उसको वो लग रहा कब्जा, जैसे दुश्मन उस गेट को खोल के इसको खोलते तो ये वाला बंद हो जाता है, उनको जाने दिखाई नहीं देता है। दिखाई इधर के गेट है, दुश्मन सीधा इधर से निकल के जाता था तो इस गेट के पहली तरफ एक घेरी टाइप की गड्ढा, उसको लकड़ियों से पत्तों से घास की उससे धक्के रखते थे नीचे, पहले आदेश दो हमारा दो, उसको आसानी से पकड़ के राजा के सामने पेश करते थे। और ये अंधेरी गेट जहाँ चल रहे हम लोग चल रहे हैं, अब बैठे थे ना, कोई नहीं इस हिसाब से बने हुए ना कंस्ट्रक्शन की, रिवर्स में कुछ नहीं आ सकता है, आउटगोइंग है बस, आउटगोइंग है, इनकमिंग डैम हो गया। फिर इसके इससे यहां देखो इसका वो आ गया है, मेरे ये व्लॉग का प्रो क्या है क्या बिल्कुल।